सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जहां कोर्ट में चल रहे पिछले कई मामलों में आजम खान के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, तो वहीं उन्हें कई मामलों में बयासी की कार्रवाई के तहत नोटिस भी तामिल किए गए हैं, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके आजम खान लगातार कोर्ट में पड़ रही तारीख पर पेश नहीं हुए हैं। लिहाजा उन पर कार्रवाई का यह सिलसिला लगातार जारी है। रामपुर के एडीजे छह कोर्ट के सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया, आज कोर्ट में सांसद आजम खान के खिलाफ चार मामलों में विचाराधीन चल रही कार्रवाई में दो मामलों में उनके खिलाफ बयासी की कार्रवाई का आदेश एडीजे न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। वहीं एक मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। वहीं चौथे मामले में उनके बेटे अब्दुल आजम के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया गया है। आजम खान के विरुद्ध चल रहा पहला मामला उनके पड़ोसी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का है, जिसमें लगातार गैर हाजिर रहने के चलते बयासी की कार्रवाई के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए तारीख तय की गई है। वहीं एक और मामले में बयासी की कार्रवाई की गई है। तीसरा मामला आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसमें उनके द्वारा दिए गए बयान का कोई वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में कोर्ट द्वारा आजम खान का दफ्तरी वारंट जारी किया गया है। वहीं चौथा मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उस मामले में लगातार गैर हाजिर होने के कारण अब्दुल्ला आजम का जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेशी के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। राजा खान द्वारा एक FIR लिखवाई गई थी उनके खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, उसमें लगातार गैर हाजिर हो रहे हैं। पहले भी गिरफ्तारी वारंट हुए, गिरफ्तारी वारंट पर नहीं आए हैं वो, तो आज कोर्ट ने 82 की कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और 20 जनवरी के लिए हाजिर होने के लिए उनको तारीख दी गई है। इसके अलावा एक और मामला था, उसमें भी उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की गई है, उसमें 20 जनवरी नियत की गई है। दो होगा, तीसरा कौन सा है? तीसरा मामला कि उन्होंने एक आचार संहिता का उल्लंघन किया था, मामले में उन्होंने एक अपने कौम के खिलाफ एक टिप्पणी की थी कि हम वर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने बोर्ड का इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था उनका, उसमें उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश कोर्ट द्वारा किया गया। चौथा कौन सा? चौथा उनका नहीं है, चौथा उनका बेटे अब्दुल आजम खान के खिलाफ है, जो ने हमारी पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ टिप्पणी की थी कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उस मामले में उनके लगातार गैर हाजिर होने के कारण BW वारंट जारी किया गया। BW वारंट क्या होता है? बेलविल वारंट होता है, जमानती वारंट जिसको कहते हैं, कि आप उसमें 22 तारीख नियत की गई है, 22 तारीख तक आप हाजिर होकर अपनी जमानत करवाएं। आजम खान गिरफ्तारी कौन सा हुआ जारी इस मामले में? एक आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था, उसमें वीडियो वायरल हुआ था उनका, उस मामले में गिरफ्तारी का वारंट 20 जनवरी तक का समय दिया गया हमको, 20 जनवरी तक हाजिर होने, कोर्ट में हाजिर होने।